Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all are fine, safe and healthy. Today we are going to discuss the chapter number 3 of your English literature book, that is A Hornbill Called Harold. This story is written by Ruskin Bourne. This is a story related to a bird called Hornbill. It's a very fascinating story, so let's start. चैप्टर नंबर 3 है हमारा अ हॉर्नबिल कॉल्ड हैरोल्ड। ये एक स्टोरी है हमारी एक बर्ड के ऊपर। यहाँ पर हॉर्नबिल जो है एक बर्ड का नेम होता है, नॉर्मली एक बर्ड होती है और उसको जो नेम दिया गया है वो है हैरोल्ड। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ हॉर्नबिल हु बिकेम अ बिलव्ड पेट। ही केप्ट द फैमिली इंगेज्ड विद हिज लव फॉर फूड एंड रेन। ये एक हॉर्नबिल की स्टोरी है। हॉर्नबिल एक इट इज़ अ टाइप ऑफ बर्ड, एक बर्ड की टाइप होती है हॉर्नबिल। ही केप्ट द फैमिली इंगेज्ड विद हिज लव फॉर फूड एंड रेन। और जहाँ पर वो पेट के तौर पर हॉर्नबिल रहता है, एक बर्ड जो है वो रहती है वहाँ पर, वो पूरी फैमिली को दिन भर अपना इंगेज रखती है अपने खाने में और रेन के बारे में। अब देखते हैं आगे। हैरोल्ड्स मदर, लाइक ऑल गुड हॉर्नबिल्स, वॉज द मोस्ट केयरफुल ऑफ वाइव्स, हिज फादर द मोस्ट ईजी गोइंग ऑफ हस्बैंड्स। अब हैरोल्ड की जो मदर है, हैरोल्ड कौन है यहाँ पर? हॉर्नबिल है। हॉर्नबिल एक बर्ड है जिसका नेम है हैरोल्ड। तो हैरोल्ड की जो मदर है, सभी अच्छी हॉर्नबिल्स की तरह वो बहुत ही ज़्यादा एक केयरफुल वाइफ हैं। और उसके जो फादर हैं, हैरोल्ड की मदर यानी कि बहुत ही केयरफुल वाइफ हैं अपने हस्बैंड के लिए, और जो हैरोल्ड के फादर हैं वो बहुत ही ईजी गोइंग हस्बैंड हैं, मींस बहुत ही अच्छे हस्बैंड हैं, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हैं। इन जनवरी बिफोर द डार्क ट्री बर्स्ट इनटू द फ्लेम रेड ब्लॉसम, फादर टुक हिज वाइफ इनटू अ ग्रेट होल हाई इन द ट्री ट्रंक, वेयर हिज फादर एंड हिज फादर्स फादर had taken their brides at the same time every year. अब क्या होता है, जनवरी में डार्क ट्री जो होता है उस पर फ्लावर्स आते हैं, और फ्लावर्स भी कैसे आते हैं? फ्लेम रेड ब्लॉसम, बहुत ही ब्राइट रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं जनवरी में। तो ये बता रहे हैं कि उस, मतलब ये जो स्टोरी चल रही है अभी वो जनवरी की बात है, जब डार्क ट्री पर बहुत ही ब्राइट रेड कलर्ड के फ्लावर्स आते हैं। तो हैरोल्ड के जो फादर हैं वो क्या करते हैं, अपनी वाइफ को जो ट्री का एक ट्रंक होता है, ट्री का एक बहुत तना, उसमें जो सबसे हाई होल होता है, मान लीजिए ये हमारा ट्री है, यहाँ पर जो कोई भी जो सबसे ऊंचा वाला हाई होल होगा वहाँ पर वो अपनी वाइफ को रखते हैं, मींस हैरोल्ड की मदर को, हैरोल्ड के फादर वहाँ पर रखते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं वो, क्योंकि हैरोल्ड के फादर और उनके फादर भी, हैरोल्ड के फादर और हैरोल्ड के ग्रैंडफादर सभी इस तरह से करते थे अपनी ब्राइड्स को। उस टाइम पर वो सभी किसी भी ट्री पर बहुत ऊंची जगह पर रखते थे। इन दिस वेदर बीटन होलो, जनरेशन अपॉन जनरेशन ऑफ हॉर्नबिल्स हैड बीन रेज्ड, एंड हैरोल्ड्स मदर लाइक दोज बिफोर हर वॉज एनक्लोज्ड विद इन द होल बाय अ स्टर्डी वॉल ऑफ अर्थ स्टिक्स एंड डंग। अब क्या होता है, इन दिस वेदर बीटन होलो, जो हॉर्नबिल्स की जनरेशन है, जितनी भी जनरेशन्स होती हैं हॉर्नबिल्स की, वो सब इसी तरह से रेज्ड होती हैं, यानी कि इसी तरह से आगे बढ़ती हैं। और हैरोल्ड की मदर के साथ भी यही हुआ, और उनसे पहले जितनी भी मदर बनी थी हैरोल्ड की फैमिली में, उन सब के साथ भी यही होता था। क्या होता था उनके साथ, कि उनको बहुत ही अनक्लोज रखा जाता था एक होल में, जो कि मिट्टी से बनाई जाती थी, स्टिक से एंड डंग से, मींस उनके लिए एक तरह से कह सकते हैं रूम बनाया जाता था ट्री पर ही, क्योंकि हैरोल्ड की जो फैमिली है, वही हैरोल्ड का जो नेस्ट हो सकता है, जो उनका घोंसला होगा वो उनके लिए रूम होगा उनका। तो जो हैरोल्ड की मम्मी को रखा गया था वो बहुत ही इनक्लोज रखा गया था, यानी कि उनको चारों तरफ से सराउंडेड किया गया था, क्लोज्ड ऑफ किया गया था सारी चारों तरफ से। और किस तरह से, एक स्ट्रॉन्ग वॉल, स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ अर्थ, मिट्टी की एक बहुत ही मजबूत दीवार बनाई गई स्टिक से डंग से। हैरोल्ड्स फादर लेफ्ट अ स्मॉल स्लिट इन द सेंटर ऑफ दिस वॉल टू एनेबल हिम टू कम्युनिकेट विद हिज वाइफ व्हेनेवर ही फेल्ट लाइक अ चैट।
Walled up in her uncomfortable room, Harold's mother was a prisoner for over 2 months. अब क्या होता है, जो हैरोल्ड के फादर होते हैं उन्होंने हैरोल्ड की मदर के लिए एक बहुत ही क्लोज्ड रूम बना दिया है ट्री पर, और वहाँ पर क्या किया है, एक स्मॉल स्लिट, एक बहुत ही पतला सा लंबा सा होल छोड़ दिया है सेंटर ऑफ दिस वॉल, वॉल के बीच में। मान लीजिए यहाँ पर ये वॉल है, अंदर यहाँ पर अंदर जो है हैरोल्ड की मदर रहती हैं, तो यहाँ पर ये क्या किया गया है, एक होल बीच में छोड़ दिया है, किस लिए, टू अनेबल हिम टू कम्युनिकेट विद हिज वाइफ वेन एवर ही फेल्ट लाइक अ चैट, जब भी उनको ज़रूरत हो तो वो अपनी वाइफ के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ये किसकी बात हो रही है, हैरोल्ड की बात हो रही है। हैरोल्ड एक बर्ड है, हॉर्नबिल कहते हैं जिसे, तो उसकी मम्मी पापा की बात हो रही है। उन्होंने उसके हैरोल्ड के फादर ने अपनी वाइफ के लिए एक सेंटर में एक स्लिट बनाया है, एक छोटा सा एक लंबा सा होल बनाया है जिससे वो कम्युनिकेट कर सकें जब भी वो चाहें। अब क्या होता है, जब हैरोल्ड की मदर एक बिल्कुल ही क्लोज्ड रूम में होती हैं तो वो उनके लिए अनकम्फर्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करती हैं, और वो क्या होते हैं, कोई 2 महीने के लिए वो बिल्कुल ख़ुद को कैदी की तरह मानती हैं कि वो एक कैदी में है, प्रिजनर। ड्यूरिंग दिस पीरियड एन एग वॉज लेड एंड हैरोल्ड वॉज बॉर्न। इस पीरियड में क्या होता है, जो टाइम पीरियड होता है 2 मंथ्स का, जिसमें हैरोल्ड की मदर को बिल्कुल अंदर रखा जाता है वहाँ पर। अब देखा होगा आपने, जो बर्ड्स होती हैं उनके एग्स होते हैं और उनके एग में से फिर बेबीज होते हैं, तो हैरोल्ड का टाइम हुआ था, हैरोल्ड उस टाइम पर बॉर्न हुआ था। In his naked boyhood, Harold was no beauty. His most prominent feature was his flaming red bill, matching the blossoms of the flame tree, which were now ablaze, heralding the summer. अब जब Harold born हो गया, Harold जब आ गया इस दुनिया में, तो Harold उस टाइम पर कुछ ख़ास नहीं था, मतलब उसमें कोई ब्यूटी नहीं थी, वो कोई बहुत खूबसूरत नहीं था, लेकिन जो इसकी बहुत ही एक मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर था, मीन्स उसकी जो बहुत ही प्यारी चीज़ थी, बहुत ही नोटिस करने वाली क्या चीज़ थी, उसकी फ्लेमिंग रेड बिल, जो उसकी पीक थी, जो उसकी चोंच थी, वो बिल्कुल कैसी थी, रेड कलर की थी, और किससे मैच होती थी, वो ब्लॉसम्स ऑफ द फ्लेम ट्री, जो धाक ट्री के ऊपर जो फ्लावर्स आते हैं उससे मैच होती थी उसकी बिल, और वो कैसी थी, एब्लेज थी, एब्लेज वेरी ब्राइटली कलर्ड, हेराल्डिंग द समर, और किस बात की तरफ नोटिस करती थी कि वो अब समर आ रहा है, हेराल्डिंग अ साइन ऑफ समथिंग अबाउट टू हैपन। ही हैड अ स्टमक दैट कुड नेवर बी फिल्ड डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ हिज फादर हु ब्रॉट हिम पीसेज ऑफ जैक फ्रूट एंड बेरीज फ्राम द बैनियन ट्री। अब हैरोल्ड को ना हर टाइम हर वक्त भूख लगती रहती थी, हैरोल्ड को उसका स्टमक कैसा था जो कभी भी फिल ही नहीं हो पाता था, हालांकि उसके फादर उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते थे, हर मुमकिन कोशिश करते थे कि उसको हर चीज़ ला कर दे, जैक फ्रूट ला कर दे, बेरीज ला कर दे बैनियन ट्री पर से, लेकिन फिर भी उसकी भूख ख़त्म ही नहीं होती थी, इतना ज़्यादा खाता था हैरोल्ड। As he grew bigger, the room became more cramped, and one day his mother brushed through the wall, spread out her wings and sailed over the tree tops. अब जैसे जैसे हैरोल्ड बड़ा होता जा रहा था, तो जो रूम था वो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड हो रहा था, मीन्स अब वो रूम जितना था इतना था कि हैरोल्ड की मदर रह सकती, लेकिन अब हैरोल्ड भी हो गया था, और हैरोल्ड की मदर के लिए वो रूम बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा था। तो एक दिन क्या किया हैरोल्ड की मदर ने, वो उस वॉल को तोड़कर बाहर आ गई, उन्होंने अपने पंख फैलाकर उड़ती हुई ट्री के टॉप पर जा बैठी। हर हस्बैंड प्रिटेंडेड ही वॉज ग्लैड टू सी हर अबाउट एंड प्लेड विद हर, एक्सप्रेसिंग हिज डिलाइट एंड डीप गर्गल्स एंड थ्रॉटी चकल्स। देन दे रिपेयर्ड द वॉल ऑफ द नर्सरी सो दैट हैरोल्ड वुड नॉट फॉल आउट। अब जो उसके हस्बैंड थे, हैरोल्ड की मदर के जो हस्बैंड थे, मीन्स हैरोल्ड के जो फादर थे, उन्होंने क्या जाहिर किया कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं हैरोल्ड की मदर को देखकर, और वो दोनों साथ में खेलने लगे, उन्होंने अपनी सब फीलिंग्स शेयर की, और उन्होंने बहुत डीप गर्गल्स किए, एक दूसरे के साथ बहुत हंसी मजाक की जैसी बर्ड्स करती हैं बातें की, और फिर उन्होंने क्या किया, जो हैरोल्ड की मदर उस वॉल को तोड़कर बाहर आई थी उसको रिपेयर्ड किया, क्यों किया, हैरोल्ड के लिए उसको रिपेयर्ड किया कि अब वहाँ उस जगह पर हैरोल्ड रह सके, ताकि हैरोल्ड कब उस जगह से नीचे ना गिर सके। हैरोल्ड वाज क्वाइट हैप्पी इन हिज सेल एंड फेल्ट नो अर्ज फॉर फ्रीडम। ही वाज पुटिंग ऑन वेट एंड फीदर्स एंड एक्वायरिंग अ फिलॉसफी ऑफ हिज ऑन, देन समथिंग हैपेंड टू चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। अब हैरोल्ड बहुत ज़्यादा खुश था अपने सेल में, हैरोल्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो कैद हो रहा है, क्या हो रहा है, उसे अपनी फ्रीडम से कोई लेना देना नहीं था।
अब जैसे जैसे हैरोल्ड बड़ा होता जा रहा था, उसका वेट भी गेन हो रहा था, उसके जो फीडर्स थे, जो उसके पर थे, वो अपने मतलब वो एक्वायर कर रहा था, वो और बड़े हो रहे थे, और उसमें उसकी ख़ुद की सोच आती जा रही थी, अ फिलॉसफी ऑफ हिज ऑन, उसका थिंकिंग स्टाइल होता जा रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन अब आगे क्या होता है, देन समथिंग हैपन टू चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ, कुछ ऐसा होता है जो उसकी ज़िंदगी का मतलब ही बदल देता है, किसकी, हैरोल्ड की। अब आगे देखते हैं कि हैरोल्ड की लाइफ में क्या होता है, हैरोल्ड के साथ ऐसा क्या होता है। वन आफ्टरनून ही वॉज अवेकेंड फ्रॉम हिज साइस्टा बाय अ लाउड बैंगिंग ऑन द वॉल, अ बैंगिंग क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट मेड बाय हिज पेरेंट्स। एक दोपहर में क्या होता है, एक दोपहर में वो जागता है, साइस्टा बोलते हैं जब हम दोपहर में थोड़ा सा सो जाते हैं, तो उसके बाद वो जागता है, और किस चीज़ से जागता है कि वॉल पर कुछ आवाज़ें आ रही हैं उसको, और वो कैसी आवाज़ आ रही है, वो उसके पेरेंट्स से डिफरेंट वॉइस है, मीन्स जब उसके पेरेंट्स आते हैं तो उसको पता होता था कि अब मेरे पेरेंट्स आ गए हैं, वो उनकी वॉइस से पता लगा लेता था, लेकिन जो इस बार वॉइस आ रही थी वो डिफरेंट थी। Soon the wall gave way and there was something large and red staring at him. Not his parents' bills, but grandfather's sunburned face and short red beard. अब क्या होता है, एकदम जो वॉल होती है, वॉल के अंदर कोई आता है और वो क्या देखता है कि there was something large and red staring at him. वो महसूस करता है हैरोल्ड कि उसको कोई बहुत बड़ी चीज़ और रेड रेड कोई चीज़ उसको देख रही है, और वो उसके पेरेंट्स नहीं हैं क्या, और वो क्या होता है, बल्कि वो ग्रैंडफादर का ऐसा लगता है कि जैसे उनका फेस जो है वो जल गया हो, और उनकी छोटी रेड बियर्ड हो, छोटी रेड दाढ़ी हो उनकी, वो ग्रैंडफादर होते हैं। इन अ मोमेंट हैरोल्ड वाज सीज्ड, और बस एक ही पल होता है कि हैरोल्ड पकड़ लिया जाता है। He roared lustily and struck out with his bill and feet, but to no purpose. Grandfather had him in a bag, and the young hornbill was added to the zoo on our front veranda. जब हैरोल्ड को कोई पकड़ता है तो हैरोल्ड क्या करता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देता है, और वो अपने हाथ पैर मारने लगता है कि किसी तरह मैं यहाँ से छूट जाऊँ, लेकिन वो क्या होता है, उसका कोई पर्पज़ नहीं होता, उसका जो पर्पज़ होता है वो उसका पर्पज़ लेस रहता है ये सब कुछ करना, मीन्स वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाता है। अब यहाँ तक तो हमारी स्टोरी चल रही है हैरोल्ड की, हैरोल्ड कहाँ पर रहता है, हैरोल्ड के फादर और मदर की। अब नेक्स्ट लाइन जो है हमारी ये है, ग्रैंडफादर हैड हिम इन अ बैग एंड द यंग हॉर्नबिल वॉज एडिड टू द जू ऑन आवर फ्रंट वरांडा। अब यहाँ से कौन बोल रहा है, यहाँ से हमारे नैरेटर हैं जो हमें स्टोरी सुना रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो यंग हॉर्नबिल है उसको जू में ऐड कर दिया गया है, और जू कहाँ पर है, हमारे फ्रंट वरांडा पर, मीन्स यहाँ पर जो एक तो है हॉर्नबिल है हमारी बर्ड, उसका नेम है हैरोल्ड, हैरोल्ड के फादर एंड हैरोल्ड की मदर के बारे में बात की गई है। अब उसको हैरोल्ड को कौन पकड़ लेता है, उसको हैरोल्ड को पकड़ लेते हैं एक ग्रैंडफादर, जो नैरेटर हैं हमारे, जो हमारी स्टोरी बता रहे हैं, उसके ग्रैंडफादर हैरोल्ड को पकड़ लेते हैं, एंड नैरेटर हमें बताता है कि मेरे ग्रैंडफादर हॉर्नबिल को, हैरोल्ड को घर लेकर आ जाते हैं, मीन्स जू कहता है वो घर को, और उसका जू कहाँ पर है, हमारे फ्रंट वरांडा पर, सामने वाले वरांडे में हॉर्नबिल हमारे घर पर आ जाता है। हैरोल्ड हैज़ अ सिंपल आउटलुक एंड वंस ही हैड गॉट ओवर सम अर्ली अटैक्स ऑफ नर्व्स ही बिगेन टू वेलकम द अप्रोच ऑफ स्ट्रेंजर्स। अब नैरेटर बता रहा है हैरोल्ड के बारे में कि जब हैरोल्ड घर पर आ गया है तो उसका कैसा बिहेवियर होता है। हैरोल्ड का बिल्कुल सिंपल आउटलुक था, मीन्स वो बिल्कुल सादा दिखता था, और जैसे वो अपने हैरोल्ड अपने घर से अलग हुआ तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन उसके बाद वो एडजस्ट होता चला गया, और उसके बाद उसने क्या किया, स्ट्रेंजर से वेलकम अप्रोच करने लगा, मतलब जो हम स्ट्रेंजर्स थे उसके लिए, नैरेटर और उसके ग्रैंडफादर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स हैरोल्ड के लिए स्ट्रेंजर्स थे, बिल्कुल अजनबी थे, लेकिन उनके साथ भी उसने एडजस्ट करना स्टार्ट कर दिया। For him, grandfather and I mean the arrival of food, and he greeted us with craning neck, quivering open bill and a loud croaking का की की। अब वो क्या कहता है कि उसके लिए मैं और मेरे grandfather किस चीज़ का ज़रिया थे, उसके खाने का, means मैं और मेरे grandfather हैरोल्ड के लिए खाना लेकर जाते थे, और वो हमें greet करता था। greet means जैसे आप teachers को अपनी greet करते हैं, good morning ma'am, good afternoon ma'am, तो इसी तरह से जो हैरोल्ड था वो भी greet करता था with craning neck, neck को crane करके, वो अपनी गर्दन को झुकाकर greet करता था अब, और बोल कर करता था, मतलब वो उनका एक तरह से वेलकम करता था जब वो उनके लिए खाना लेकर जाते थे। ग्रैंडफादर गेव हिम अ वेरी रूमी केज इन अ सनी कॉर्नर ऑफ द वरांडा, ए पैलेस कंपेयर टू द क्रैम्प्ड क्वार्टर्स ही हैड ग्रोन अप
एंड अ बेसिन ऑफ फ्रेश वाटर एवरी डे फॉर हिज बाथ. अब उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ हो गई थी हैरोल्ड के लिए. ग्रैंडफादर ने उसको एक बहुत ही बड़ा केज दिया था, रूमी केज, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस था और जो वरांडा के एक कॉर्नर में रखा गया था जहाँ पर धूप आती थी. और अगर उसको कंपेयर किया जाए उसके कैंप्ड क्वार्टर के साथ, मींस जहाँ जो वो ट्री पर पहले रहता था उससे अगर कंपेयर किया जाए तो जो उसका अब केज था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था. वो उसमें ग्रोन अप हो रहा था, बढ़ रहा था और साथ में उसको डेली बाथ के लिए उसको फ्रेश वाटर भी प्रोवाइड किया जाता था. नेक्स्ट, हैरोल्ड वॉज नॉट ब्यूटिफुल बाई इंडियन स्टैंडर्ड्स. ही हैड अ स्मॉल बॉडी एंड अ लार्ज हेड, बट हिज नेचर वॉज फ्रेंडली एंड ही स्टेड ऑन गुड टर्म्स विद बोथ माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग हिज 12 ईयर्स एज अ मेम्बर ऑफ द हाउस होल्ड. अब हैरोल्ड के अपियरेंस के बारे में बता रहे हैं कि हैरोल्ड दिखता कैसा था. हैरोल्ड कुछ वो कहता कुछ ज़्यादा ब्यूटिफुल नहीं था, उसकी स्मॉल बॉडी थी और उसका बड़ा सा सिर था, अ लार्ज हेड, लेकिन उसका नेचर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, बहुत दोस्ताना था और उसके हमारे साथ बहुत अच्छे टर्म्स थे, स्पेशली हिज ग्रैंड पेरेंट्स, जो नैरेटर हैं उसके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हैरोल्ड का बहुत अच्छा रिलेशन हो गया था और वो उनके साथ 12 साल तक उनके साथ रहा, उनकी बिल्कुल एज अ मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड, उनके घर का बिल्कुल मेंबर बन के. ही वुड इवन टॉलरेट माई आंट्स टू होम मोस्ट ऑफ़ दी अदर पेट्स इन द हाउस यूजअली टुक अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक. अब ये हैरोल्ड का फ्रेंडली नेचर के बारे में बता रहे हैं कि जो उनके घर में आंटी रहती थी उनकी, वो उनको भी सह लेता था, यानी कि उनको भी टॉलरेट कर लेता था हैरोल्ड. हालांकि जो अदर पेट्स थे, मे बी कैट और डॉग, जो भी उनके घर में अदर पेट्स होंगे, वो सभी पेट्स आंटी को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते थे, लेकिन हैरोल्ड उनको फिर भी सह लेता था, उनके साथ कोई बुरा बिहेवियर नहीं करता था. Here is the picture of Harold. You can see it's a small body and a large head. Harold's best friends were those who fed him and he was willing even to share his food with us, sometimes trying to feed me with his great beak. अब हैरोल्ड के बेस्ट फ्रेंड कौन होते थे, जो उसको खाना खिलाते थे, जो उसको खाना देते थे, हैरोल्ड के वो बेस्ट फ्रेंड होते थे और वो बहुत बार अपना खाना हमारे साथ शेयर कर लेता था और कभी कभी वो अपनी बहुत ही जो उसकी ग्रेट बीक थी उसके साथ वो मुझे खाना देता था. ईटिंग वॉज अ सीरियस बिजनेस फॉर हैरोल्ड एंड इफ़ देयर वॉज एनी डिले एट मील टाइम्स ही वुड समन अस विद रॉकस बार्क्स एंड वाइग्रस बैंक्स ऑफ हिज बिल ऑन द वुडन वॉल ऑफ हिज केज. अब मैंने आपको बताया था कि हैरोल्ड को बहुत भूख लगती थी, वो हर वक्त खाना खाता रहता था. तो अगर ईटिंग वॉज अ सीरियस बिजनेस फॉर हैरोल्ड, जो हैरोल्ड के लिए खाना था वो बहुत ही सीरियस बिजनेस था, मीन्स उसको हमेशा खाना चाहिए होता था अपने टाइम पर, और अगर उसके खाने में थोड़ी सी भी देर हो जाती थी तो वो नैरेटर को और उसके ग्रैंडफादर को बुलाता था. कैसे? रॉकस बार्क्स एंड वाइग्रस बैंक्स ऑफ हिज बिल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली जो उसका केज था उस पर अपनी बीक मारकर, अपनी चोंच बार बार मार कर वो उनको बताता था कि यानी मेरे खाने का टाइम हो गया है, मुझे खाना चाहिए. नाओ He loved bananas and dates and balls of boiled rice. I would throw him the rice balls and he would catch them in his beak, toss them into the air and let them drop into his open mouth. अब खाने में उसे क्या क्या पसंद था? उसे बनाना पसंद थे, डेट्स पसंद थी, बॉयल्ड राइस की बॉल्स पसंद थी, मीन्स चावलों की छोटी छोटी बॉल बनाकर उसको देते थे. और मैं क्या करता था, नैरेटर बता रहा है कि मैं I would throw him the rice balls and he would catch them in his beak. मैं उसकी तरफ राइस बॉल्स फेंकता था और वो अपनी बीक में उसे कैच कर लेता था, और कभी कभी क्या करता था, वो उस राइस बॉल को हवा में उछालता था और फिर वापस अपने मुंह में लेता था. He perfected his trick of catching things and grandfather trained him to catch a tennis ball thrown with some force from a distance of 15 yards. Harold would have made an excellent slip fielder at cricket. अब वो बता रहे हैं कि He perfected his trick of catching things. वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गया था थिंग्स को कैच करने में, एंड ग्रैंडफादर ने उसको ट्रेन किया हुआ था कि जब हम उसकी तरफ टेनिस बॉल फेंकते थे काफ़ी दूर से भी, कोई एट अ डिस्टेंस फ्रॉम 15 yards के डिस्टेंस से जब हम हैरोल्ड की तरफ टेनिस बॉल फेंकते थे तो वो उसको कैच कर लेता था. अगर हैरोल्ड स्लिप फील्डर बनता क्रिकेट में तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट स्लिप फील्डर था क्रिकेट का. अगर वो क्रिकेट खेलता, वो बहुत अच्छा कैच करता था.
Having no family, profession or religion, Harold gave much time and thought to his personal appearance. He carried a rose pot on his person and used it very skillfully as an item of his morning toilet. This rose pot was a small gland situated above the roots of his tail feathers. It produced a rich yellow fluid. अब ये क्या बता रहे हैं कि उसकी कोई फैमिली नहीं थी हैरोल्ड की, ना उसका कोई प्रोफेशन था, वो कोई काम नहीं करता था, उसका कोई रिलीजन नहीं था, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी हैरोल्ड अपनी पर्सनल अपीयरेंस को बहुत ज़्यादा टाइम देता था। अब अगर किसी की फैमिली होती है तो हम तब तैयार होते हैं, हमारा कोई प्रोफेशन होता है, हमें स्कूल जाना है तो हम अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के अबाउट बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं कि हमें उसको नीट होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, अपने रिलीजन के थ्रू कि हमारा रिलीजन कैसा है, हमें उसके अकॉर्डिंग अपने कपड़े कैसे पहनने चाहिए। लेकिन हैरोल्ड का तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इन सब चीज़ों के ना होने के बावजूद भी हैरोल्ड को अपनी पर्सनल अपीयरेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता था वो। और वो क्या करता था, जो उसकी मॉर्निंग टॉयलेट का टाइम था वो उसमें एक रोज पोर्ट लेता था। रोज पोर्ट मीन्स, हेयर इज़ द मीनिंग ऑफ रोज, अ रेड पाउडर और क्रीम यूज एज अ कॉस्मेटिक फॉर क्लरिंग द चीक्स और लिप्स। रोज का मीनिंग है यहाँ पर कोई एक रेड पाउडर या फिर क्रीम जैसे जो कि कॉस्मेटिक में यूज़ की जाती है लिप्स को या फिर चीक्स को कलर करने के लिए। मीन्स एक तरह से मेकअप जो जिसे बोलते हैं वो, इसको कहा गया है रोज। तो एक रोज पोर्ट था वहाँ पर और वो उसको बहुत ही स्किलफुली यूज़ करता था अपनी मॉर्निंग टॉयलेट के लिए। दिस रोज पोर्ट वॉज ए स्मॉल ग्लैंड सिचुएटेड अबाउट द रूट्स ऑफ हिज टेल फीदर्स। इट प्रोड्यूस्ड अ रिच येलो फ्लूड। हैरोल्ड वुड डिप इनटू हिज रोज पोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड देन रब द कलर ओवर हिज फीदर्स एंड द बैक ऑफ हिज नेक। अब क्या होता है, ये बताता है कि वो एक रिच येलो फ्लूड कलर प्रोड्यूस्ड करता था, यानी कि बहुत डार्क येलो कलर से प्रोड्यूस्ड करता था अपने फीदर्स में से, टेल में से। और वो क्या करता था, ही वुड डिप इनटू हिज रोज पोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड देन दे रब द कलर ओवर हिज फीदर्स एंड द बैक ऑफ हिज नेक। और वो उसमें डिप कर लेता था, उस रोज पोर्ट में खुद को डिप कर लेता था और फिर रब करता था अपने फीदर्स को और अपनी नेक को। द कलर केम ऑफ ऑन वंस हैंड व्हेन वन टच्ड हैरोल्ड। I think his color had some sort of waterproofing effect because he used his color pot most during the rains. अब हैरोल्ड बताता है, सॉरी जो नैरेटर है वो बताता है कि कभी कभी जब मैं हैरोल्ड को हाथ लगाता था तो वो कलर मेरे हाथों पर भी टच कर जाता था और मैं सोचता हूँ वो जो कलर होता था वो वाटरप्रूफ होता था, वो वाटरप्रूफिंग इफेक्ट था, पानी से उस पर, मतलब वो पानी से हटता नहीं था। हैरोल्ड नेवर ड्रैंक एनीथिंग, नॉट इवन वाटर, इन ऑल द ईयर्स ही स्टेड विद ग्रैंडफादर। Apparently hornbills get all the liquid they need from their solid food. अभी बता रहे हैं नैरेटर के जो हैरोल्ड है वो कभी भी कुछ भी नहीं पीता था, यहाँ तक कि वो पानी भी नहीं पीता था। जितने साल भी वो मेरे ग्रैंडफादर के साथ रहा मैंने यही देखा है कि उसने कभी भी पानी नहीं पिया है। क्यों? क्योंकि जो हॉर्नबिल्स होते हैं, जो हमारी बर्ड्स हैं, ये वो सॉलिड फूड में से ही लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो हमारे सॉलिड फूड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे कोई भी खाने की चीज़ें हैं तो उसके अंदर पानी ज़रूर होता है, तो वो उन्हीं चीज़ों के अंदर से लिक्विड एब्जॉर्ब कर लेते थे। दो हैरोल्ड ड्रैंक नो वाटर, ही लव्ड द रेन। अब हालांकि हैरोल्ड पानी नहीं पीता था लेकिन फिर भी उसे बारिश बहुत पसंद थी। He always knew when it was going to rain because Harold would start chuckling to himself about 1 hour before the rain drops fell. अब उसे पता होता था कि कब बारिश होने वाली है। मोस्टली जो हमारे बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन्हें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है, कोई भी अगर तूफान आता है, बारिश आती है, तो उन्हें उस चीज़ का पता चल जाता है। तो अब क्या है कि उसे पता चल जाता था कि कि अब बारिश आने वाली है और वो कोई बारिश से एक घंटे पहले, जब बारिश की बूंदें बरसने से कोई एक घंटे पहले वो स्टार्ट चकलिंग कर देता था। मींस वो बोलना शुरू कर देता था, जो भी उसकी लैंग्वेज होती थी, फिशेस होती हैं या फिर एनिमल्स, बर्ड्स, इन सबको पता होता है, अल्लाह ताला ने इनको ऐसी चीज़ दी हुई होती है कि इनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि अब कुछ होने वाला है। तो इसी तरह हैरोल्ड को भी अंदाज़ा हो जाता था कि अब बारिश होने वाली है। This used to irritate my aunts. They were always being caught in the rain. Harold would be chuckling when they left the house and when they returned drenched to the skin, he would be in fits of laughter. अब जो है नैरेटर के घर पर जो उसकी आंटी थी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी हैरोल्ड से, वो बहुत इरीटेट होती थी, बहुत उनका मूड ऑफ हो जाता था, परेशान सी उलझी हुई जब हैरोल्ड चकलिंग स्टार्ट करता था, बोलना स्टार्ट करता था अपनी लैंग्वेज में, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी।
अब हैरोल्ड कब करता था, जब वो घर से बाहर जाती थी और जब वो वापस ड्रेंच टू द स्किन, जब वो भीगी हुई वापस लौटती थी तो वो उन पर हंसता था। As the storm clouds gathered and gusts of wind shook the banana trees, Harold would get very excited and his chuckle would change to an airy whistle. Wee wee, he would scream. जब storm और clouds gather हो जाते हैं, means जब बादल इकट्ठा होना शुरू होते हैं और हवा के झोंके banana tree को हिलाते हैं, तो Harold बहुत ज़्यादा excited हो जाता था और जो उसकी chuckle होती थी, जो उसकी एक particular sound होती थी, वो किस में change हो जाती थी, wee wee, means वो इस तरह से बोलने लगता था। And then as the first drops of rain hit the veranda steps and the scent of the freshened earth passed through the house, he would start roaring again. और जब बारिश की बूंदें, पहली बूंद वरांडा में गिरनी शुरू होती थी और मिट्टी की महक पूरे घर में फैल जाती थी, तो वो क्या करना शुरू करता था, ही वुड स्टार्ट रोरिंग अगेन, वो दोबारा से बोलना शुरू कर देता था। द विंड स्वेप्ट द रेन इनटू हिज स्पेशियस केज एंड हैरोल्ड वुड स्प्रेड आउट हिज विंग्स एंड डांस टम्बलिंग अबाउट लाइक अ सर्कस क्लोन। अब हवा के झोंके क्या करते थे, हवा के, जो आपने देखा होगा अगर बारिश का मौसम हो रहा है और हल्की हवा भी चल रही है, तेज़ हवा चल रही है, तो बारिश का जो रुख होता है वो मुड़ जाता है। तो इसी तरह से जैसे हैरोल्ड बैठा होता था अपने केज में, तो हवा का झोंका जो है वो बारिश को उसकी साइड कर देता था और जब उसके ऊपर पानी की बूंदें पड़ती थी, वो अपने विंग्स को स्प्रेड आउट कर लेता था, फैलाता था और डांस करने लगता था, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई किसी सर्कस में कोई जोकर डांस कर रहा हो, क्लोन मींस जोकर। तो ये सब उसकी हैबिट्स थी, जब बारिश होती थी वो बहुत खुश होता था और वो इस तरह से डांस करता था। When the monsoon really set in, he would get used to the rains and his enthusiasm like our own would lessen. अब क्या होता है, जब मॉनसून सेट होने लगता है, मीन्स जब बारिश स्टार्ट होती है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और जैसे जैसे बारिश ख़त्म होती रहती है, तो जो उसका जोश है वो हमारे साथ ख़त्म हो जाता है, यानी कि हम भी थोड़े थक कर बैठ जाते हैं निढाल से। इसी तरह से हैरोल्ड भी थक जाता था। Now, but the first few showers were always a wonder to him and we would come out on the veranda to watch him and share in his pleasure. Lekin jo pehla shower hota tha, jo pehli barish hoti thi, wo uske liye ek bilkul hi wonder thi. And we would come out on the veranda to watch him and share in his pleasure. Aur hum veranda mein aa jate the usko dekhne ke liye ki wo kitna zyada excited hai, bahut hi zyada wo wonder ho jata tha on the first shower. I miss Harold's raucous bark and the banging of his great bill. If there is a heaven for good hornbills, I hope he is getting all the summer showers he could wish for and plenty of tennis balls to get. मैं हैरोल्ड की, जो हैरोल्ड जिस तरह से बोलता था जल्दी जल्दी या फिर वो शोर मचाता था, उस सब को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। नरेटर हैरोल्ड को मिस करते हुए, उसे याद करते हुए ये सब बता रहे थे। वो बताते हैं कि मैं उसकी एक एक आवाज़ को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और वो कहते हैं कि अगर अच्छे हॉर्नबिल्स के लिए कहीं पर हेवन है, कहीं पर जन्नत है, जैसे अच्छे और बुरे इंसान होते हैं, तो इसी तरह वो कह रहे हैं कि अगर अच्छे हॉर्नबिल्स के लिए कहीं पर जन्नत है, तो मैं आशा करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ। All the summer he is getting all the summer showers he could wish for and plenty of tennis balls to get, कि वो जितनी भी बारिश चाहता था उसको इतनी ही बारिश मिले, क्योंकि वो, उसे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद थी और उसको टेनिस बॉल्स मिले कैच करने के लिए, क्योंकि उसे जो जो चीज़ें हमें पसंद होती है जन्नत में, हमें वही चीज़ें मिलेंगी। तो इसी तरह वो हैरोल्ड के लिए दुआ मांग रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा उम्मीद से हैं कि अगर अच्छे हॉर्नबिल्स के लिए कहीं पर भी जन्नत है, तो मुझे उम्मीद है कि उसे बहुत सारी बारिश मिलेगी, क्योंकि उसे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद थी और साथ में टेनिस बॉल भी कैच करने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी थी अबाउट अ हॉर्नबिल कॉल्ड हैरोल्ड, एक हॉर्नबिल जो एक बर्ड होती है जिसका नेम है हैरोल्ड। हियर आर योर क्वेश्चंस। वेयर वॉज हैरोल्ड्स फैमिली होम, हैरोल्ड की फैमिली का होम कहाँ था, इन अ ट्रंक ट्री। थर्ड वन इज़ हैरोल्ड्स फादर वॉज ईजी गोइंग, इट मीन्स दैट हैरोल्ड के जो फादर थे वो ईजी गोइंग थे, तो इसका क्या मतलब है, ही वॉज काम एंड टोलरेंट इन मैनर, वो अपने बहुत ज़्यादा शांत थे, वो बहुत ज़्यादा सुकून वाले थे, लड़ाई झगड़े वाले नहीं थे, वो स्ट्रिक्ट नहीं थे। क्लियर। Now here's your vocabulary exercise. Add a prefix to each of the following words to make new words. आपको इन words में prefix add करना है ताकि ये इनका new words बन सके।
योर क्वेश्चन आंसर हेयर व्हाट आर द राइट द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. आपके यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो मैं आपको चैप्टर्स के साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. एंड योर क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट वाज हेरोल्ड्स मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर, डिस्क्राइब ब्रीफली. जो हेरोल्ड का बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर था वो कौन सा था, जो उसकी फ्लेमिंग रेड बिल थी वो उसका मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर था. What changed the course of Harold's life? Harold's की life में क्या change आए थे, जब grandfather उसको tree trunk में से ले गए थे अपने घर, यही उसकी life का सबसे बड़ा change था. Name some of Harold's favorite food items. उसके जो food items थे वो कौन कौन से थे, bananas, dates and balls of boiled rice. In the end, what does the author wish for Harold? Harold के लिए क्या wish की है end में, कि उसे बहुत ज़्यादा summer showers मिले, साथ में टेनिस बॉल्स टू कैच, टेनिस बॉल्स मिले उसे कैच करने के लिए. व्हाई डिड हेरोल्ड नॉट ड्रिंक वाटर. हेरोल्ड पानी क्यों नहीं पीता था, क्योंकि वो सॉलिड फूड में से ही जितना भी उसे लिक्विड की नीड होती थी वो एब्जॉर्ब कर लेता था. क्वेश्चन नंबर एट, हेरोल्ड वुड हैव मेड एन एक्सीलेंट स्लिप फील्डर एट क्रिकेट. इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब था कि वो टेनिस बॉल को कैच कर लेता था एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 yards. 15 yard की डिस्टेंस से भी वो टेनिस बॉल को कैच कर लेता था. Here is your activity work. Draw a beautiful picture of dhak tree. आपको dhak tree की एक बहुत ही attractive, beautiful picture बनानी है, colorful. मैंने यहाँ पे आपको example दिया है. Dhak tree की आपको picture दी है, आप इससे related आप जैसी भी चाहें इसकी pictures बना सकते हैं. So your chapter has completed. I hope you all understand this story. Thanks a lot. Take care, all of you.